नीतीश सबसे बड़ा गद्दार है, आपका मेहराड़ू तो मर गया तो चार लोंडिया लेकर चलता है। नहीं हमने तो मर रहे हैं, आपके विधायक जी का नहीं है बैंक में पैसा, आप लोग कभी धरना नहीं दिए? धरना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तो सरकारें कहा जाए तो ट्राई करते ना धरना होना, देखे कोई फायदा नहीं है। सब करोड़ों घर पर लोग घपेल के रख देता है, कुछ भी नहीं, यहाँ सब ऐसी रहता है सब दिन। कौन फेंकता है? सब होटल वाला ही सब फेंकता है। हम पढ़े हुए एम ए, मेरा मेहरारू है पढ़ा हुआ मैट्रिक, उसको नौकरी लगेगा काहेला कि चार जनता के बीच में उसको ऐस लूटने के लिए पागल लेगो, सब बटोर बटोर को अपना जोर किया है पागल। तो कुर्था बस स्टैंड के लिए शौचालय का व्यवस्था ये है, मर्द के लिए भी महिला के लिए भी। मर्दों के लिए मैं क्या कहूँ या औरतों के लिए क्या कहूँ, इंसान के लिए नहीं है। शायद सुअर के लिए यह शौचालय होगा लेकिन इंसान के लिए तो नहीं है। कि सत्यदेव जी का चरण नहीं उतरता कुर्था क्षेत्र में नीचे। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम अरवल घूम रहे हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है, और अरवल में दो विधानसभा क्षेत्र है, एक अरवल है एक कुर्था है। अरवल बस स्टैंड का हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखा चुके हैं, अभी हम कुर्था के बस स्टैंड में हैं। और स्पेशल धन्यवाद जो रहेगा वो नीतीश जी का रहेगा, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ घुमाने का निर्णय किया है और उन्हीं के मदद से हम यहाँ घूम रहे हैं। और यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो बस स्टैंड की स्थिति है, अगर उसको सही से दिखाया जाए तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका मन करेगा कि नीतीश कुमार जी के बगल में जाएं और ऐसे से जाकर कहें कि वाह नीतीश जी, आप तो बहुत बढ़िया काम किए हैं बिहार में। अब हम इस बस स्टैंड घूमते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है जिसका वर्णन शब्दों में शायद नहीं हो सकता। मैं वरुण से अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ का नज़ारा पूरा दिखा दीजिए। और अभी यहाँ पर बारिश नहीं हुई है तब यहाँ का ये हाल है, और अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है उसके बाद यहाँ का हालत क्या होगा ये कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि लग रहा है कबार का अंबार है, चारों तरफ से खाली पॉलीथीन फेंके हुए हैं, कहीं पर रबर फेंका हुआ है, कहीं पर कुछ फेंका हुआ है, कहीं डायपर्स फेंका हुआ है। और ये है कुर्था का बस स्टैंड जो सरकारी बस स्टैंड है, हालांकि यहाँ तक अभी बस स्टैंड बना नहीं है और देखने से लग नहीं रहा कि ये बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़ारा जो है इतना दयनीय है कि उसको देख करके लगता है कि मतलब बोले ना कि नीतीश जी को मन करता है कि जाके पीठ पर थपथपा के बोलें कि वाह नीतीश जी कैसा काम किया आप। एक बस स्टैंड में भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे वर्षा होने के बाद क्या स्थिति है, अभी सूखे में तो बदबू कर रहा, वर्षा होने के बाद क्या स्थिति होती है। हाँ भैया, हाँ बोलिए, क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, बस स्टैंड है कुर्था का? हाँ। इतना घटिया का है? अब यहाँ के व्यवस्थापक ने समझा कहा है ऐसे। व्यवस्थापक कौन है यहाँ के? वो है एजेंट है, वो जी सामने है। ये सरकारी बस स्टैंड है ना ये? हाँ हाँ। अभी तक बना का है नहीं है? अबे हम लोग नहीं बता सकते भैया। अच्छा, तब कमी है गाड़ी ओनर, गाड़ी ओनर ओनर में भी कमी है कि घटिया स्टैंड है, जनता को परेशान भी है। हाँ। स्टाफ लोग की भी परेशानी है। आप लोग कभी धरना नहीं दिए? धरना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिए हैं धरना? हमने देते नहीं है, हमने गरीब आदमी मर रहे हैं ऐसी 200-400 मर रहे हैं, या तो सरकारें कहा जाए तो ट्राई करते ना धरना होना, देखे कोई फायदा नहीं है। सब करोड़ों घर पर लोग घपेल के रख देता है, मगर हमने के कोई एक रुपया नहीं मिलता है, करोड़ों कागज पर यहाँ पास हो जाता है, हम तो यही देख रहे हैं। मगर हम आपके बाद 20 लाख करोड़ मोदी घोषणा किया, जनता के पास एक रुपया नहीं पहुँचा, ऊँचे पहुँचा सिर्फ 500 दिया है 3 बार वही पहुँचा, उसके बाद सब ऊँचे जाए सुस बैंक में रुपया, बड़े बड़े नेता का दागी नेता के टिकट मिलते, क्या करेंगे? उसी का सरकार है, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं, हमने तो मर रहे हैं। आपके विधायक जी का नहीं है सुस बैंक में पैसा? विधायक जी के तो सबके, वो तो कह रहे बड़े बड़े नेता कमाए, टोपी धोती वाला खाए टोपी वाला है, बात यही है भैया। ये बताइए कि वर्षा में तो यहाँ का हालत एकदम खराब हो जाता होगा, कैसे आप लोग करते हैं? वर्षा में तो यहाँ आप ठहरा नहीं रह पाइएगा, महकेगा यहाँ। वो तो अभी कर रहा है? अभी तो उतना नहीं है, मगर पानी पड़ जाएगा ना तो नरक कुंड हो जाएगा। तो लोग चढ़ता कैसे है बस पे? फिर दिक्कत आगे में गाड़ी लगाते हैं तो फिर थाना वाला पुलिस निकलेगा, वो डंटा मारेगा कि साइड करो, तो यो गाड़ी लगाते हैं ऊपर, जनता चढ़ता है क्या करे, सड़क पर लगा के आप चढ़वाते हैं जनता को? हाँ वही चढ़वे करता है, ठेकेदार करता वही है। चलिए, तो ये बस ड्राइवर साहब की स्थिति थी, उन्होंने हालांकि कहा कि कभी धरना पे वो कभी नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है शायद धरना पर बैठने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया ये बताइए कि बस स्टैंड का हालत इतना घटिया का है? नहीं, बाथरूम है यहाँ, कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं, यहाँ सब ऐसी रहता है सब दिन। कौन फेंकता है? सब होटल वाला ही सब फेंकता है। होटल वाला कोई रोकता नहीं है कचरा फेंकने से? कोई नहीं, खाली पैसा लेने वाला यहाँ को रोकने वाला नहीं है सर जी, आज नहीं देख रहे हैं सर, यही काम है। अभी तक बना का नहीं है बस स्टैंड?
अब न बनाई तो हम लोग नहीं पूरा बता सकते हैं डिटेल में, लेकिन यही बता सकते हैं कि कचरा खाली पैसा तसलने के लिए होटल वाला ऐसा करता है कचरा, उधर सुबह का बासी खाना बचेगा इधर आके डाल देगा। अच्छा, आप लोग शिकायत नहीं करते? बगल में थाना है, थाना प्रभारी थोड़ी ना कोई आते हैं जी, क्या करेंगे वो तो। आप अभी अंदर जाइएगा तो इतना पानी में हिल के जाना थाना में, थाना में नहीं मेन रोड पर चलिए ना, इतना पानी किसको यहाँ कोई सुनता जानता है ये ना। अब लोग धरना वरना नहीं दिया कि अब बनाया जाए, लैट्रिन करने की जगह देखिए जाकर का स्थिति है, कि थोड़ा पानी पर जगह देखिए सब स्थिति, पानी पर जगह तो चले लायक ना है। आदमी सब कैसे चढ़ता होगा बरसात, पब्लिक कैसे बेचारे लाचारी में चढ़ते हैं, एकदम चले लायक जगह ना है। सरकारी बस स्टैंड है ना जी? हाँ सरकारी बस स्टैंड तक बना का है, सुविधा ना है अभी तक बना का है नहीं, अभी तक बना का है नहीं, बन ही ना रहा है, कहा कह रहा है। आप लोग धरना उन्होंने नहीं देते हैं? कोई धरना ना कोई उपाय नहीं, सब कराने वाला में कोई नहीं, तो विधायक जी कभी मिले नहीं है आप? ना कोई एवे नहीं करते, कोई एवे करते तो कहीं दूर चल जाते हैं। पागल है वो, सब बटोर बटोर के अपना जोर किया है, पागल बहुत साफ सुथरा नहीं, पागल बटोरता जो कचरा उचरा फेंकता है। तो आप लोग एकजुट होकर बोलते नहीं है कि मत फेंको कचरा उचरा? ना देखते हैं, कभी बिक के चल गया, कभी रात के बिक देता है, रात के कोई नहीं देखता है सब कचरा। मैनेजर हैं स्टैंड के पुराने आदमी। मैनेजर साहब इतना घटिया हालत का है आपके स्टैंड का? यहाँ का ठेकेदारे खराब है और विधायक खराब है, तो घटिया नहीं रहेगा? विधायक साहब मिलने कभी जाते हैं? एक दो बार आप विधायक से नहीं DDC से पूछिएगा कि शौचालय में आपको हिलाया गया था शौचालय बनाने के लिए? नहीं, यहाँ शौचालय है, पर्दा के लिए जनानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ 5 साल ना 10 साल विधायक रह चुका, एक आध दिन ताकने झांकी भी मारने आए हैं कि क्या स्टैंड के स्थिति है, खराब है। ये लोग जो फेंकता है तो आप लोग मना नहीं करते? कौन फेंकता है सब किसको किसको मना करें? कचरा कौन? हमारे आप जैसा पब्लिक ना बिकता है आके जी, सवारी जैसे आया अब गिरा दिया तो उसको कितना माना कीजिएगा? सवरिया आखिर रखेगा कहाँ? केला छिलका कहाँ खा कर बिकेगा? साफ सफाई थोड़ा ना चाहिए, तो सफाई ठेकेदार को ना चाहिए यहाँ बिकने के लिए? तो ठेकेदार करबे नहीं करता है, पैसा लुटा चल दिया। आप मैनेजर हैं तब कुछ करते नहीं है, बोलते बोलते नहीं है? हम कहला बोले जाएंगे? मैनेजर है ना, हम तो गाड़ी पैसा ठेकेदार ही बंद कर देते हैं देने के लिए, कि हम ठेकेदार ही नहीं देंगे तुमको। फिर भी मतलब दूसरा ठेकेदार भी आता तो वही हालत है? वही हालत, कोई भी ठेकेदार आता है वही हालत करता है, कोई ध्यान ना यहाँ कोई। जब यहाँ विधायक नहीं कुछ कर पाया तो आम जनता के क्या अधिकार है? तो विधायक का जो नेता लोग है उसका तो हम लोग धरना दबाव बनाए ना उस पर जी। हाँ दबाव कहीं नहीं बनाते हैं, दबाव एक दो बार बनाए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ लेटरिन के जनता को। हाँ सर, बाथरूम नहीं है, बाथरूम कि सत्यदेव जी का चरण नहीं उतरता कुर्था क्षेत्र में नीचे। हाँ हम कुशवाहा है मगर गद्दार है कुशवाहा के नाम। अच्छा, पर वोट देते हैं उनको? वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को देते हैं, मोदी को देते हैं, बिहार के नाम पर। तो बिहार में तो जातिवाद के नाम पर इज्जत को ताखा पर रख दिया नीतीश, तो ताखा पर रखिए नीतीश इज्जत को। आरक्षण देखे मारे कहे कि मतलब कि हमको बीवी हम पढ़े हुए हम एम ए, मेरा मेहरारू है पढ़ा हुआ मैट्रिक, उसको नौकरी लगेगा काहेला कि चार जनता के बीच में उसको ऐस लूटने के लिए। क्यों गद्दार है नीतीश? सबसे बड़ा गद्दार है। अब उसका मेहरारू तो मर गया तो चार लौंडिया लेकर चलता है, तो सरकार सबसे बड़ा गंदा है। फिर चुनाव होने वाला है तब क्या क्या करिएगा? और मोदी को खाली नाम पर वोट देते हैं, नीतीश तो अभी गए हैं। टीचर लोग जितना भी बहाल हुआ है, लड़कन के शिक्षा कहाँ चला गया पता है? शिक्षा के बारे में जानकारी है नीतीश कुमार के कि शिक्षा कहाँ गया? फिर चुनाव होने वाला है। अरे फिर चुनाव वाला है, उससे हम लोग का क्या मतलब है यार? वही वही आदमी उस चुनाव में जाएगा, कभी जनता में राष्ट्रीय जनता दल में जाएगा, कभी लोजपा में जाएगा, कभी जदयू में जाएगा, वही आदमी जाएगा। जो 10 साल से विधायक है ना, उसको फिर टिकट मिला है तो फिर वोट दीजिएगा? नहीं, आप किसको वोट दीजिएगा? अभी आप किसको वोट मिलेगा समय बताएगा? अभी हम आज कैसे कह देंगे कि इसको वोट देंगे? तो कुछ सोचे होंगे ना कि मतलब अब की बार उनको समय वोट के समय में बताएंगे। तो बस स्टैंड की स्थिति एक बार फिर से वरुण जी आप दिखा दीजिए, सड़क पर आकर के 180 डिग्री घुमा करके। और ये है बस स्टैंड, ये लोग कह रहे हैं कि सरकारी बस स्टैंड है, और आगे कह रहे हैं कि शौचालय बाथरूम भी है लेकिन लेडीज के लिए नहीं है, उसको भी थोड़ा घूम लिया जाए ताकि वो भी देखना जरूरी होगा कि औरतों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हालांकि यहाँ पे तो इंसान की व्यवस्था है ही नहीं, तो क्या मर्द क्या औरत, लेकिन देख लेते हैं फिर भी क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो कुर्था बस स्टैंड के लिए शौचालय का व्यवस्था ये है, मर्द के लिए भी महिला के लिए भी।
अब ये शौचालय है या कबाड़ी खाना है इसका मुझे जवाब नहीं पता है, यहाँ के लोग से पूछते हैं। बस स्टैंड का शौचालय है ये? बस स्टैंड का शौचालय है, यहाँ कैसे जाता है लोग? लाचारी महिला जाएगी यहाँ, क्या करेगा लाचारी? कैसे मतलब, कौन यहाँ कचरा फेंकता है? कचरा बगल वाला फेंकेगा, अब कहाँ फेंकेगा? मतलब बस स्टैंड है यहाँ पे, लोग कचरा के फेंक दे रहा है, उसका शौचालय है तो। कितने दिन से ये सब हाल है? करीब 4 साल से है। चार साल के ज्यादा से ऐसे है, जो महिला केकरो घर का महिला हो, यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ बेचारी को पर्दा के लिए भी जगह नहीं है, बहुत कठिन है महिला का। कौन फेंक रहा है? 5 साल से, 4 साल से लमसम ये कूड़ा बन गया है, जो पैखाना लैट्रिन बाथरूम जो है ना, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बेचारा कितनों किसी को लगा रहेगा तो किसी को बगल में अपना झक के अपना काम कर लेता है, बाकी लैट्रिन में जाने लायक की जगह नहीं है। एक बात बताइए, सत्यदेव कुशवाहा के जगह है, सत्यदेव कुशवाहा जी का ही क्षेत्र है। विधायक जी के कितनों बार कहल गया, ये काम नहीं हुआ है, अभी तक लैट्रिन भी नहीं बना है। कुर्ता मतलब हम ये कह रहे हैं कि जितना लोग मान लीजिए अब यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है, उतना लोग किसी दिन बैठ जाइएगा सड़क पे, तब क्या होगा? तब बदलेगा कि नहीं? एक कितना बार, एक बार गाड़ी भी जाम हुआ था बस स्टैंड में, गाड़ी भी जाम हुआ था तो पर भी विधायक यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप लोग हट गए थे पीछे तब ना? पीछे हटेंगे नहीं, कितना देरी रहेंगे? विधायक के मांग हुआ, विधायक यहाँ पर नहीं आया था आज तक। डंटा बजार में थाना प्रभारी, यहाँ प्रशासन अब विधायक के आवे के पर यहाँ डंटा पटक के भगा दे रहा है। अच्छा, भगा दे रहा है, धरना करने भी नहीं दे रहा है? कने करने दे रहा है, धरना करना तो अधिकार है ना जी? अधिकार है, लेकिन पहले ही फोर्स पहले ही मार के डंटा से भगा दे रहा है तो क्या करे आदमी लाचारे। हाँ, तो ये बताइए आप लोग सब कि इस बार किसको आप लोग वोट दे रहे हैं? अबरी बार तेजस्वी सरकार बनेंगे, ठीक कर देंगे तेजस्वी जी? जी तेजस्वी जी ठीक कर देंगे, ठीक करेंगे, उनका सरकार आएगा, वो अपना काम करेंगे। आज से पंद्रह साल पहले लालू प्रसाद थे ना जी? आज से 15 साल पहले भी लालू प्रसाद यादव थे, उस टाइम भी यही हालत होगा? वो घड़ी का हमारा जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल के लिए हमको जानकारी है, ऐसा सरकार के चेंज किया जाएगा और नया सरकार को बनाया जाएगा। केकरो सरकार है? लालू जी सरकार में नहीं था ना? नहीं था, लालू साहब एकदम पूरा साफ था। हाँ, साफ था। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि एकदम पूरा हम चमका दिए हैं सब बस स्टैंड को, सड़क को, सब चमका दिए हैं। नीतीश जी तो देखिए ना हाल, नीतीश जी के सरकार में देखिए। तो ये बाथरूम है मर्दों के लिए, मैं क्या कहूँ, या औरतों के लिए क्या कहूँ, इंसान के लिए नहीं है। शायद सुअर के लिए शौचालय होगा, लेकिन इंसान के लिए तो नहीं है। उसके बाद अब देख लीजिए एक बार फिर से, 180 डिग्री और 360 डिग्री जिसको कहते हैं उसको घुमा के दिखा दीजिए और दिखाइए कि ये बस स्टैंड है जहाँ से लोग आते हैं और यहाँ से अपने अपने स्थान के लिए जहाँ उनको जाना होता है वहाँ वो जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर क्या है और किस तरह का बस स्टैंड है, यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है और जो शौचालय की जो व्यवस्था थी वो हमने आपको दिखा दिया। शायद दिखाने से कुछ फ़ायदा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कुछ फ़ायदा होने वाला है। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कितना बार, एक बार गाड़ी भी जाम हुआ था बस स्टैंड में, गाड़ी भी जाम हुआ था तो पर भी विधायक यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ।